नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। दखल न्यूज़ में लगातार हम आपको ऐसे अधिकारियों से मिलवा रहे हैं जिनके कंधों पर कोरोना की एक भार पड़ा हुआ है। हमारे साथ आज इरशाद वली जी हैं, DIG भोपाल हैं। इरशाद जी से हम जानना चाहेंगे कि कैसे कोरोना पैंडेमिक में वो शहर को संभाल रहे हैं। इरशाद जी, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, कई जगह पुलिस में और जनता के बीच में झड़प हो जाती है, ऐसे में आपको थोड़ी मुश्किल आती होगी, कैसे आप संभाल रहे हैं? हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि सामंजस्य अच्छा रहे, लोगों को जो है लगातार अवेयर करते रहें। इसके लिए प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है और लोगों को लगातार जो है स्टैटिक PA सिस्टम्स के माध्यम से भी अवेयर कराते हैं, मोबाइल PA सिस्टम्स के माध्यम से भी अवेयर कराते हैं, सहयोग मांगते हैं उनसे, क्योंकि जनता कर्फ्यू जो है बिना जनता के पार्टिसिपेशन के पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। बट स्टिल जो लोग जो है फ्लिमजी ग्राउंड्स पे बहाने बना के निकलते हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं। कई बार जो है जो इंटरफेस होता है इतना ज़्यादा होता है जो पीक टाइम्स वहाँ पे कई बार जो है बहस हो जाती है, बट कोशिश करते हैं कि शालीनता के साथ आम जन से पेश आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम दोनों को जो है एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। कई बार ऐसा नहीं लगता कि चौराहे पे खड़े हुए या बैरिकेड्स लगा के जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मॉरल लेसन्स की उनको ज़रूरत है? कई बार होता है बेवजह के इशू पे भिड़ंत हो जाती है जनता के साथ। अभी एक घटना सामने में आई, एक हार्ट पेशेंट के साथ मारपीट हो गई। वो जो घटनाक्रम जिस प्रकार का भी रहता है, लेकिन हम लोग लगातार अपने लोगों को भी सेंसिटाइज करते हैं, बट उसी तरह से हम पब्लिक से भी अनुरोध करते हैं कि जो चौराहे पे खड़े लोग हैं ना, इनकी भी जैसे हम आपके साथ आपसे अनुरोध करते हैं, इनके लिए भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है ताकि इनका मोटिवेशन, इनका मोराल भी डाउन ना जाए। पूरे दिन वहाँ खड़े रहना है, खतरे के संक्रमण की संभावना इनको भी उतनी ही है जितनी कि आम जन को है, और इस दौरान जो है हमारे भी लगभग 300 के अराउंड लोग जो है संक्रमित हुए हैं, 8 की हमारे भी कर्मचारियों की अधिकारियों की डेथ हो गई है। तो इसलिए जो है सब लोग जो है एक दूसरे का हाथ थाम के चलेंगे तो ही हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आप जब यहाँ शहर में थे, पहली लहर आई, आपने दूसरी लहर भी देखी, इस बार ज़्यादा लोग पैनिक हैं, पेशेंट्स बढ़ गए हैं, डेथ रेशियो बढ़ा है, आपके पास भी कई तरीके की घटनाओं से एकदम पैनिक होकर लोग आते हैं, उस वक्त क्या कदम रहता है आपका? कोशिश हम लोग करते हैं कि हम लोगों के जो हमारे बस में हैं हम ज़रूर मदद कर पाएँ, क्योंकि एक ऐसा फेज़ है कि जितनी मदद कर पाएँ लोगों की उतना बेहतर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को थाम के रखें, अपने कर्मचारी अधिकारियों को थाम के रखें, उनको जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएं ताकि वो दूसरों की अच्छी सेवा कर पाएँ। रेमडेसिविर का बहुत हल्ला मचा, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बहुत हॉस्पिटल्स में और अटेंडेंट्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा, उसके लिए आपके पास भी कई बार फ़ोन आए होंगे, कई अटेंडेंट्स के फ़ोन आए होंगे, पेशेंट्स के आए होंगे, उस वक्त क्या सिचुएशन होती थी और आप कैसे टैकल कर रहे हैं? रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कोशिश तो ये रहती थी, अगर कर्मचारी अधिकारियों का आवश्यकता है तो जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उनमें अगर उस परिधि में वो लोग आ रहे हैं तो उनको उपलब्ध हो जाए। कई बार स्ट्रगल भी करना पड़ता था क्योंकि वॉल्यूम जो है उसका कम था, और कई बार लोगों को जो है अगर आवश्यकता नहीं है तो भी अगर एक पैनिक में लगवाना चाहते थे तो उसका बैलेंस लगातार बना के रखने का प्रयास किया ताकि किसी तरह से डिससैटिस्फैक्शन ना फैले। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स ने ज़रूरत नहीं थी फिर भी प्रिस्क्राइब किया कुछ पेशेंट्स को? अब मैं अभी किसी इंस्टीट्यूशन पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, बट हाँ इशू इसमें कई बार ऐसा है कि उसका बैलेंस बनाना और उसमें जो है जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच में जो एक बैलेंस बनाना वो बहुत ही आवश्यक है। ईद का टाइम है, पुराने शहर में बहुत सारी भीड़ एकदम से सड़कों पे आ जाती है, कुछ दुकानें खुलने की भी छुटपुट खबरें सामने में आती हैं, ऐसे में लॉकडाउन को और प्रोटोकॉल को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? हम लोगों ने कोशिश तो ये की है कि रात के समय में, लेट नाइट के समय में, अर्ली मॉर्निंग के समय में जो एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हों उसको टारगेट करें। जैसे सुबह 5 से 7 भी जो है VIP रोड पे हम लगाते हैं व्यवस्था, रात में 3 से 5 भी रमज़ान की वजह से व्यवस्था लगाते हैं कि उस समय जो है भीड़ भाड़ कहीं पे इकट्ठा ना हो जाए। इसके अतिरिक्त रात में 10 से 2 भी लगाते हैं कि अनावश्यक आवागमन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ खबर आती है वहाँ पर लगाते हैं, उसके अतिरिक्त दिन में भी लगाते हैं। तो फोर्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके कोशिश करते हैं कि फटीक भी ना आए और अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा रहे कि हम लोग जो है कोर एरियाज पर फोकस कर लें, कहीं पर इस तरह से ना हो कि हम किसी एरिया को नज़रअंदाज कर दें। कई बार ऐसा देखने में आया, मुख्य सड़कें बंद कर दी जाती है बैरिकेड लगा के और पूरे डाइवर्ट कर दिया जाता है गली मोहल्लों में, ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि गली मोहल्लों में हम कोरोना वायरस को भीड़ को पहुंचा दे रहे हैं? मुख्य सड़कें खोल देनी चाहिए, गली मोहल्लों में नहीं अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहिए? कोशिश हम लोगों ने ये की थी, हम लोगों ने कई बार जो है उसको प्रेस में भी विज्ञप्ति डाली है
जो मेजर सड़कें हैं उनको एम्बुलेंस के लिए सेपरेट उसमें वेज भी बनाए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई के वैन्स के लिए सेपरेट कैरेज वेज बनाए हैं, और जो मेजर सड़कें हैं बड़ी उनमें से कुछ एरियाज़ को जो है हम लोगों ने बंद किया, कुछ एरियाज़ में पूरा डाइवर्ट किया है, क्योंकि मैं आपसे जैसे पहले बता रहा था बल्कि को जो है हम लोगों को इस तरह से यूज़ करना है कि हम एक जगह पे केंद्रित कर करके अच्छी तरह से उसको यूज़ कर पाएँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कई बार जो है छोटे मोटे ऐसे रास्ते खुले छूट जाते हैं जिससे कि पब्लिक को इधर से नहीं आना है, तो उन छोटे रास्तों का उपयोग करने लगती है, स्पेशली वो लोग जिनको जो है अनावश्यक निकलना है और छोटी मोटी ज़रूरतें जो कि जिनको अवॉइड करके घर पे रहा जा सकता है उसके बावजूद भी निकलना होता है। तीसरी लहर की चर्चा चल रही है, पहली लहर आप लोगों ने देख ली, दूसरी लहर में जो प्रॉब्लम्स आए उनमें कैसे सुधार कर रहे हैं वो आप लोगों ने सोचा ही होगा, लेकिन तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है? अब वो जो लगातार अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, वो जैसे पुलिस के अपने सातवीं वाणी का हॉस्पिटल है, इसमें भी 15 बेडेड जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और भी जो है अपने स्टाफ को लगातार जो है उनके परिजन जो वैक्सीनेशन से छूटे हुए उनको मोटिवेट करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, अपने भी कर्मचारी जिनको सेकंड जाब नहीं लगा है उनको भी जो है सेकंड डोज लगवा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि सब लोग अवेयर रहें, लगातार सतर्क रहें, ताकि जो है अगर कोई और वेव भी आती है तो हम उसको फेस कर सकें प्रॉपरली। आप पुलिस के आला अधिकारी हैं, आपसे अधीनस्थ जो लोग कर्मचारी अधिकारी और फील्ड में लोग हैं पुलिस के, उनके लिए कैसे आप मोटिवेशन कैसे कर रहे हैं, और उनके परिवार जो पैनिक हो जाते हैं कि हमारा एक घर का बंदा जो मुखिया है वो सड़क पर है, कभी भी कोरोना की चपेट में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में उनके परिवारों को कैसे सांत्वना आपके द्वारा दी जा रही है? हम लोगों की कोशिश है कि उनके रिलेटिव्स जो हैं या किसी परिजन कहीं पर एडमिट है उनको भी पूरा सपोर्ट करें, ताकि कहीं से ये ना लगे कि आपका विभाग आपके साथ नहीं है। और दूसरी बात है कि खुद से कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं भोपाल पुलिस के सब इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, सब खड़े रहते हैं तो एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहता है, और टीम वर्क का ही काम है, टीम अगर अच्छे से काम करती हुई दिखेगी तो पूरी टीम का मोरल बढ़ा रहता है और उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनको अकेले छोड़ दिया गया। कई पुलिसकर्मी उपचार के अभाव में, धन के अभाव में इलाज से दूर रहे और उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार में भी कोई नहीं बचा, ऐसे में उनका कैसे आपने मैनेज, आगे में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आएं? अभी एटलीस्ट मुझे बाकी जगह का नहीं पता है, बट इसी ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं फेस करने को मिली, एटलीस्ट रिसोर्सेज के अभाव में किसी को इलाज ना मिला हो ऐसी परिस्थिति नहीं रही। हाँ, हालात बिगड़े कुछ लोगों के, स्पेशली जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उनमें से कुछ लोग हमारे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, और एक कुछ ऐसे भी केस थे जिसमें कि काफ़ी दिनों तक संक्रमण रहा और इधर उधर इलाज करा करके रह गए और उसके बाद प्रॉपरली नहीं मॉनिटर हो पाए। लेकिन हम लोगों ने ओवरऑल जो ये प्लान यहाँ पे बनाया है कि ज़्यादातर लोगों को स्क्रीनिंग प्रॉपर समय पे हो जाए, और स्क्रीनिंग के बाद सीटी स्कैन्स हो जाएँ, उनके बाकी टेस्ट हो जाएँ, ताकि किसी भी तरह से ये बीमारी उनको चपेट में ना ले सके और ठीक हो जाए। एक पहल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के जितने भी छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी इनका इलाज फ्री में सरकार द्वारा किया जाए, इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए? वो तो हम लोग जो CGHS में PHPS में कवर्ड हैं ऑलरेडी, तो उन सारे अस्पतालों में जो है हम लोगों को मेडिकल रिम्बर्समेंट हो जाती है, तो सरकार के जो स्कीम्स हैं वी ऑलरेडी गेट कवर्ड इन दैट, तो कहीं पर इलाज में पैसे की या रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट ओनली कि हम सही समय पर आ जाएँ और सही समय पे अपने को आइडेंटिफाई कर लें, लाइक हम कंट्रोल रूम में ही पर डे यहाँ पे जांच होती है, और जो भी पॉजिटिव आता है हम इमीडिएटली सीटी स्कैन के लिए और बाकी टेस्ट के लिए भेजते हैं, और हर दिन सेट पे मॉनिटर करते हैं, हर दिन जो होम क्वारंटीन में लोग हैं उनका भी SpO2 लेवल, उनको भी मॉनिटर करते हैं, अगर वो जो है लगातार हमसे सतत संपर्क बनाए रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। अभी हम एक सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है, अगर वो इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो हम उसको उस तरह से इन्फोर्स करेंगे। अभी जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जितनी जो सीमाएं हैं जो निर्धारित की हुई हैं हम उसमें जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें जो जितनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसमें जितना रेगुलेट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा ये भी एक पॉलिसी डिसीजन है, जब बढ़ जाएगा तो हमें सूचना आ जाएगी तो हम उस हिसाब से इन्फोर्स करेंगे। घूम रहे लोगों के लिए क्या सख्त कदम? उनको उनसे तो हम लोग लगातार निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से भी निवेदन करेंगे कि कृपया कर करके जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अनावश्यक फ्लिमसी ग्राउंड्स पे ना निकलें, क्योंकि जब पूछताछ करते हैं तो पुलिस वाले भी जो है वो उसमें संक्रमित होने के उनके भी चांसेस रहते हैं और आपको भी जो है संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर दूर तक जाना, एक एक पत्ती दवा लेने के लिए 4-4 किलोमीटर दूर जाना, ऐसे बहुत सारे केसेस पर डे मिलते हैं, पर डे कार्रवाई करते हैं,
दंडित करके हमें भी आनंद नहीं आता, हमें भी अफसोस होता है, बट जो जो सीरियसनेस है मामले की, जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जब आप फिल्मसी ग्राउंड पे निकलते हैं, और जो जिन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है वो बेचारे जो हैं 2 मिनट 4 मिनट होकर खड़े रह जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य का बात। आप पुलिस के आला अधिकारी हैं, आप अपनी ओर से जनता और अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों का तो जो भोपाल पुलिस परिवार में हम लोग लगातार सेट के माध्यम से एक दूसरे के टच में रहते हैं, आपके माध्यम से भी अगर कोई सुनेंगे तो उनको भी बताएंगे, परिजनों का ख्याल करें, परिजन में अगर कोई छूट गया वैक्सीनेशन के लिए उसको वैक्सीनेट कराएं, और अपने आप अपना ध्यान रखें, कहीं पर ज़रा से भी लक्षण दिखते हैं तो टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद अगर किसी तरह की आवश्यकता है तो हम लोग सब लोग साथ में मिल करके उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। और जनता से जैसे मैंने अभी अनुरोध किया कि सब लोग जो हैं बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं तभी बाहर निकले, नहीं तो मोहल्लों में ज़्यादातर चीज़ें मुहैया हैं, दवा मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन चीज़ों का वहीं से लोकली उपयोग करें, अनावश्यक जस्ट घूमने के लिए बाहर आना जो है वो ठीक नहीं है। ये है हमारे शहर के DIG इरशाद वली जी। इरशाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।